बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसी स्टडी में। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इतिहास। इस वीडियो में पूरी तरह से इतिहास देखेंगे और देखेंगे हम एशियंट हिस्ट्री। ओके, और हमारा टॉपिक है वैदिक काल, द वैदिक पीरियड, और चैप्टर है 4, जिसका है पार्ट 1। पार्ट 1 में बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और ये बीए फर्स्ट ईयर का, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। इससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो में आपके समक्ष रख रहा हूँ, मेरा नाम है सौरभ। चलो फिर हम जानते हैं वैदिक काल में क्या क्या था और क्या क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था चलती थी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ मेन्यू टॉपिक मैंने निकाले हैं जो कि हेडिंग है। तो हम पहले पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार, इसका विस्तार कितना है और किस प्रकार के साम्राज्य फैला, वैदिक व्यवस्था सभ्यता किस प्रकार फैली हिंदुस्तान में। और सेकेंड टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था की, समाज कैसा था। फिर राजनीतिक, इनमें राजनीति कैसे चलती थी। और वैदिक अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था क्या थी, क्या मुख्यतः कृषि, पशुपालन किस प्रकार होता था। और धर्म, कितने धर्म थे, देवता कितने थे, भगवानों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप लोग आगे तक जुड़ देखना इस वीडियो को। ओके, तो चलो देखते हैं पहले भौगोलिक विस्तार, क्या इसका भौगोलिक विस्तार है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है ऋग्वैदिक काल। तो इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, इसे तो वैदिक काल कहा जाता था, इसमें ऋग्वैदिक काल कहाँ से आ गया। तो ऋग्वैदिक काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो इस समय सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद लिखा गया था, जिस वजह से इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल तो कहा जाता है पर इसका दूसरा नाम है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वेद है सर्वप्रथम लिखा गया था। तो ओके, और जो इसका काल है ऋग्वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कहा जाता है। और जो आता है सेकंड पार्ट इसका, उत्तर वैदिक काल, वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ओके, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बटा हुआ है वैदिक काल। तो जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो ये थे आर्य, जो आर्यन आए थे उसके संस्थापक माने जाते हैं, सभ्यता के निर्माता, निर्माण हो गया था वैदिक सभ्यता का। और आर्यंस आए कहाँ थे, मध्य एशिया से। आपको पता होगा इससे पहले जो सभ्यता थी भारत में वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्यंस पे आक्रमण करके अपनी सभ्यता यहाँ पे स्थापना करी थी, तो संस्थापक माना जाता है आर्यंस को। ओके, जो कि मध्य एशिया से आए थे। और जो आर्यंस था, इनका जो आरंभिक जीवन था, शुरुआती जीवन था पशुचारण, तो पशुओं को पालते थे, पशुचारण इनका मुख्य जीवन था, इन्हीं पे इनका जीवन चलता था। जो इनकी दिनचर्या था पशुचारण से स्टार्ट होती थी और पशु से ही अपना घर चलाते थे। इनकी जो आर्थिक थी ये मेनली थी, और ये ग्रामीण थे, जितने भी थे ये नगरीय नहीं थे, ग्रामीण थे। आपने इंडस वैली में पढ़ा होगा वो नगरीय सभ्यता थी, एक नगर था, मतलब नगर जो योजना थी उसकी योजना बहुत प्रमुख थी, विश्व विख्यात थी उसकी योजना इंडस वैली की। पर जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई ये पूरी तरह से ग्रामीण थी, गाँव। ओके, तो ये चीज कुछ वर्ड्स याद रखना, काफी महत्वपूर्ण वर्ड्स थे आपसे। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे इन फ्यूचर या अभी कर रहे हो, तो आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो वैदिक सभ्यता की जानकारी जो हमें मिलती है, तो मिलती है वेदों से, जो स्रोत उपलब्ध है हम पे, ये मिलती है वेदों द्वारा। जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता किस प्रकार थी, इनकी जानकारी हमें कैसे मिली, वेद द्वारा मिली। और इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल इसको कहा जाता है। ओके, और आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, सर्वप्रथम किसकी रचना करी थी, आर्यों ने ऋग्वेद की, और जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये जो मानव जाति है, स्टार्ट हुई है मानव जाति, इसका पहला ग्रंथ है प्रथम। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, आर्यन से आपको पता है। और इनका आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में इनका आगमन हुआ था। इससे पहले कौन सी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले थी, जो पर 1500 में लगभग आर्यंस का आगमन हो गया भारत में, हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हिंदुस्तानी था। तो यहाँ पे आर्यंस का आगमन हो गया और इसकी स्थापना हो गई, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और उनके आगमन का कोई ठोस या सख्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर देखो जो इतिहास में ऐसा ना कुछ बस अंदाजा लगाया जाता है, कोई 100% श्योर नहीं होता कि 100% यही है, तो सिर्फ अंदाजे लगाए गए हैं और उसी के स्रोत पे हमें उपलब्ध है जो फैक्ट्स, वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ओके, तो इसके कोई ठोस या 100% श्योर नहीं है। अब जानते आगे, ये आपने इंट्रोडक्शन जान लिया कि ऋग्वैदिक क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता इसकी स्थापना किसने करी, और इनका जो भी काल था निर्धारण किस प्रकार, और इससे पहले जो सभ्यता थी इंडस वैली, इसके बाद ये सभ्यता स्टार्ट हुई थी। चलते हैं आगे,
अब जानेंगे इसका भौगोलिक विस्तार। आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी सभ्यता है ना, नदियों के किनारे काफी, नदियों का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी सभ्यता देख लो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लो, या हड़प्पा सभ्यता देख लो, या मिस्र की सभ्यता देख लो, या इजिप्ट की सभ्यता देख लो, या सुमेरियन देख लो, सब नदियों के किनारे थे। तो नदियों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी सभ्यता को विकास करने में, डेवलप करने में। तो नदियों का काफी योगदान था ये वैदिक सभ्यता में भी। तो जानते हैं वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है वैदिक सभ्यता, तो जानते हैं। ओके, तो ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है, जो नदियां था उसका उल्लेख मिलता है, लिखित है ये नदियों का, और भौगोलिक विस्तार का पता चलता है, जिस वजह से इनके नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है, जो इसकी ज्योग्राफी थी इसी से पता चलता है, नदियों की वजह से ऋग्वेद में मिलता है, जो वेद था ऋग्वेद उसी में नदियों का उल्लेख मिलता है, उसमें लिखित है। और भारत में सर्वप्रथम सप्तसंधाव प्रदेश में आकर बसे, इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सेंट नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सेट नदी है ना इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और यहीं पे ये सर्वप्रथम बसे थे प्रवाहित होके। और ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी आपने देखा होगा ये इंडस वैली में भी थी, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता इसी के नाम पे पड़ा था उसका, हड़प्पा सभ्यता का नाम। सिंधु नदी का कई बार इसका वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, ऋग्वेद है उसका, किसका वर्णन हुआ है, सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का काफी बड़ा योगदान है भारतीय सभ्यता में, चाहे इंडस वैली देख लो या वैदिक सभ्यता देख लो। तो कई बार इसका उसका वर्णन हुआ है, कई बार इसका उल्लेख माना गया ऋग्वेदिक काल में। और इसी के साथ साथ ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का तीन बार उल्लेख हुआ है। तो यमुना मतलब, यमुना तो काफी पुरानी नदी है, इसका तीन बार उल्लेख हुआ है, और गंगा का एक बार, जो गंगा रिवर है आज के टाइम पे भी काफी महत्वपूर्ण है गंगा रिवर। और ऋग्वेद की पवित्र नदी है सरस्वती, सबसे ज्यादा पवित्र नदी, और इसे नदीमता नदियों का प्रमुख कहा गया है। तो नदियों का मुख्य नदी कौन से था, जितने भी नदी थे, तो सरस्वती काफी मुख्य नदी थी ये वैदिक काल की। और सब सेंधव प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत हुई थी, महाभारत के बारे में आपको पता ही होगा, के निकट प्रदेशों पर भी अपना कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र का ब्रह्मव्रत कहा जाने लगा। तो जो कुरुक्षेत्र था उस पर अपना आर्य कब्जा कर लिया, धीरे धीरे बसने लग गए, जिसे ब्रह्मव्रत कहा जाने लगा आगे जाके भविष्य में। और ये क्षेत्र सरस्वती में दृष्टवती नदियों के नाम से जाना जाता है, इसके बीच पड़ता है दृष्टवती के, जो सरस्वती इसके बीच पड़ता है क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ओके, चलो जानते हैं आगे। अब जानेंगे कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन कॉलेज में तो आएंगे, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो उसमें भी पूछ सकते हैं, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी इनका समाज कैसा था, ये किस प्रकार रहते थे, समाज किस कितने भागों में विभक्त था, कितने भागों में विभाजित था इनका समाज। तो दोस्तों बता दूं आप, मैं इसमें वर्ण व्यवस्था काफी मुख्य है। वर्ण व्यवस्था क्या होता है, वर्ण व्यवस्था मतलब चार वर्ण, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये टोटल चार वर्ण थे। इनके कार्य भी आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण सिर्फ पुजारी करते थे, पूजा वेद पढ़ना यज्ञ करना ये सब करते थे, और जो क्षत्रिय था योद्धा होता था राजा, ये सिर्फ राजपाट करता था और दूसरों को सिक्योरिटी देता था और इनसे टैक्स लेता था राजा। और तीसरे होते हैं वैश्य, इनका क्या काम था, सिर्फ किसानी करना, खेती करना, व्यापार करना, शिल्पकार करना। और फोर है शूद्र, जो कि खेत मजदूर और नौकर मजदूर, मतलब ये तीनों जो उच्च वर्ण थे ना उनकी सेवा करना था सिर्फ। ओके, तो जानते हैं सामाजिक व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है। तो जो ऋग्वेद समाज था पितृसत्तात्मक था, जो पिता के नाम से जाना जाता था, पितृसत्तात्मक था पूरा समाज, पर पिता संपूर्ण परिवार का भूमि संपत्ति का अधिकार होता था। जो पिता था, जो पूरी भूमि थी, जो लैंड मतलब राजा होता था, जो पिता था पूरी भूमि का संपत्ति का अधिकारी, मतलब वो होता था मालिक, उसी के नाम से जाना जाता था, अधिकारी होता था ये भूमि का। ओके, पिता जो उसमें मैन है मेल। ओके, और फिर सत्तात्मक समाज के होते हुए इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान प्राप्त था, महिलाओं को काफी रिस्पेक्ट मिलती थी, जो महिलाएं थी राजनीति में भी भाग लेती थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी मतलब पूछ नहीं सकते, महिलाओं को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। सती प्रथा बिल्कुल ना के बराबर था, प्रदा प्रथा नहीं था, ये सब बिल्कुल भी नहीं था इस समय, तो महिलाओं को सम्मान मिलता था वैदिक काल में, ये था मुख्य। और महिलाएं शिक्षित होती थी, मतलब ये थी वेद पढ़ती थी, इनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता था, शिक्षित मतलब ये शिक्षा प्राप्त करती थी महिलाएं, इनको परमिशन मिली हुई थी कि तुम शिक्षित हो सकते हो, तुम शिक्षा ले सकते हो। और ऋग्वेद समाज जो दो वर्ग में विभाजित था, कौन कौन से, आर्य और अनार्यो, आर्यो और अनार्यो में दो वर्ग में विभाजित था ऋग्वेदिक समाज, जो ऋग्वेद का समाज है दो भागों में विभाजित था। ओके, और
कालांतर में जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वेद के दशक मंडल के पुरुष सूक्त में पाए जाते हैं कि समाज चार वर्णों में विभक्ता विभाजिता ओके कौन कौन से हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण में विभाजिता, आपने सुना होगा चार वर्ण वर्ण व्यवस्था जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था इसमें चार वर्ण में विभाजिता कौन कौन, ब्राह्मण हो गया क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो ब्राह्मण कार्य था वो क्या कार्य करते थे, तो ये कार्य करते थे जैसे कि वेद पढ़ना यज्ञ कराना, ये सब इनका मुख्य कार्य था ओके। और इसके बदले में ये क्या लेते थे, गुरु दक्षिणा लेते थे, दक्षिणा लेते थे, दान लेते थे, इनको बहुत सारे दान दिए जाते थे, दान जैसे भूमि हो गई, बहुत सारे गाय मिलते थे ये। और क्षत्रिय क्या होते थे, ये जो दूसरा वर्ण है, तो क्षत्रिय होते थे राजा, मतलब ये राजपाट करते थे, ये एक साम्राज्य के राजा होते थे। आपने देखा होगा अशोक वगैरह जो एशियंट हिस्ट्री है, अगर आप ये हम आगे जानेंगे तो जितने भी राजा थे ये क्षत्रिय थे, जो सिर्फ राजा करते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे अपने प्रजा को और उनसे टैक्स दिया करते थे। और तीसरे थे वैश्य, जो सिर्फ ये करते थे, क्या करते थे, व्यापार, ये चरवाहे थे, पशुपालन करते थे, खेती करते थे, व्यापार थे, शिल्पकार थे, जितना भी कार्य था वैश्य लोग करते थे। और आखिरी वर्ण था शूद्र, जो कि चौथा वर्ण था, ये क्या करते थे, ये मजदूरी करते थे, खेतों में हेल्प करते थे, जो किसान थे उनकी हेल्प करते थे, मतलब जो मजदूर नहीं होते, जो मजदूरी आपने देखा होगा खेतों में करते थे ये लोग, ये नौकर थे, दास और मजदूर, ये सब थे ये लोग जो गैर आर्य वंश कहलाते थे। और आर्य वंश कौन से थे, ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय वैश्य, ये आर्य वंश कहलाते थे। जो आखिरी व्यवस्था शूद्र वो गैर आर्य वंश कहलाते थे, जो सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, इनका कोई कार्य नहीं था ओके। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे जो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है, मतलब देखो एक हो गया, ये हो गया पिता, ये माता तथा उसके बच्चे जो भी हैं, ये होते हो गया एकल परिवार। पर यहाँ पे संयुक्त परिवार का प्रचलन था, मतलब जो भी पिता के भाई हो गए, चाचा, उसके डैड, उसकी मॉम, सब लोग एक साथ रहते थे, इसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये वैदिक काल में प्रचलन था, इसकी एक सामाजिक व्यवस्था थी ओके। और विवाह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था, जो विवाह था काफी प्रमुख अंग था। अंतर जातीय विवाह होता था और लेकिन बाल विवाह का निषेध था, जो बाल विवाह है चाइल्ड मैरिड, ये निषेध था इसका। विधवा विवाह का प्रथा प्रचलन भी थी, जो विधवा मतलब किसी का हस्बैंड किसी कारणवश डेथ हो जाए उसकी, तो प्रचलन था विधवा विवाह का इसका ओके। और पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी, जो नियोग होता है उसकी प्रथा स्वीकार की गई थी सामाजिक व्यवस्था में, जो ऋग्वेदिक काल में नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी पुत्र प्राप्ति के लिए। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। तो दोस्तों एक वर्ड बनता है अमाजू, अमाजू क्या है, तो आप लोग जो होती थी, जो अविवाहित होती थी लड़कियां, उसे अमाजू कहा जाता था। ये चीज वर्ड याद रखना, काफी महत्वपूर्ण वर्ड होता है ये सब, ये आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं ओके। चलते हैं आगे। तो और सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब सती प्रथा तो बिल्कुल भी नहीं थी ना के बराबर, पर्दा प्रथा ये भी नहीं था, जो सामाजिक व्यवस्था थी वैदिक काल की ये बिल्कुल भी नहीं था ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, दास बनाए जाते थे, और दास होते कौन थे, शूद्र, इनको क्या दास बनाए जाते थे ओके। परंतु ये प्राचीन यूनान और रोम के भांति नहीं था, देखो प्राचीन यूनान जिसे ग्रीस कहा जाता है ओके, और रोम इसके भांति नहीं था, इसकी तरह नहीं था, यहाँ पे ज्यादा जुर्म होता होगा पर यहाँ पे नहीं होता था ऐसा ओके। और आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, मांसाहारी मतलब क्षत्रिय और शाकाहारी कौन, ये हो गए ब्राह्मण वगैरह ओके। तो आपको पता ही होगा जो ब्राह्मण थे वो शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी, और जो क्षत्रिय थे वो मांसाहारी भी होते थे और शाकाहारी भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, ये भी हो सकता है, जानते हैं आगे। और आर्यों के वस्त्र कैसे होते थे, तो वस्त्र सूत ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे, जो इनके मृग चर्म के बने होते थे जो इनके वस्त्र पहनते थे। और ऋग्वैदिक काल में लोगों के नशीले पेय पदार्थों में सोम और सूरा प्रचलित था, जो पेय पदार्थ पीने का पदार्थ होता है, जो जैसे वाटर वगैरह हो गया, इसमें सोम और सूरा का प्रचलित थे। और मृतकों को क्या अग्नि में जलाया जाता था तथा कभी कभी दफनाया भी जाता था, तो देखो जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था, दोनों प्रकार से होते थे, ये जो मृतक होती डेड बॉडी उसको दफनाते भी थे और जला भी देते थे, जो कि आज के काल में भी होता है। चलते हैं आगे। अब जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक किस प्रकार ये चला रहे थे, हमने सामाजिक व्यवस्था जान ली, किस प्रकार ये रहते थे, वर्ण व्यवस्था थी, किस प्रकार ये खाना पीना इनका, जो भी वस्त्र होते थे, ये सब जान लिया हमने। अब राजनीतिक, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, तो ये जानेंगे ओके। तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या जानेंगे, आपको पता ही होगा भौगोलिक विस्तार जाना था हमने स्टार्टिंग में,
तो भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्य को भारत के मूल निवासियों जिन्हें आर्यन कहा गया से संघर्ष करना पड़ा। तो ये मूल निवासी थे, संघर्ष करना पड़ा जो यहाँ पे मूल निवासी थे जिन्हें आर्यन कहा गया था, अनार्य सॉरी अनार्य कहा गया था, उनसे संघर्ष करना पड़ा। और 10 राजयुद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। जो 10 राजयुद्ध हुआ था इसमें आर्य तथा अनार्य थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में ऋग्वेद के मिलता है। और ये युद्ध रावी 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 नदी सोच लेना काफी महत्वपूर्ण है। और पुरासणी रावी को पुरासणी नदी कहा जाता था, लड़ा गया था, जिसमें भारत के प्रमुख कबीले राजा सुदास ने अपने प्रतिवादियों को पराजित कर भारत कुल की श्रेष्ठता स्थापित की। जो सुदास थे राजा कबीले के प्रमुख कबीले के, यहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा जाहिर करी और स्थापित करी श्रेष्ठता अपनी ओके भारत में। और ऋग्वेद में आर्य के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। 5 कबीलों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और वो कौन कौन से कबीले थे? प्रथम देखो, पुरु था, युधत्ता, त्रुवर्षु, अजु और प्रभु, ये सब क्या टोटल 5 कबीले थे ओके, जिन्हें पंच जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें पंच जन कहा जाता था। और ऋग्वेदिक कालीन राजनीति व्यवस्था में कबीलाई प्रकार की थी। जो राजनीति व्यवस्था थी यहाँ पे कबीलाई प्रकार की व्यवस्था जो ज्यादा प्रमुख थी, मुख्य थी, कबीलाई व्यवस्था। और ऋग्वेदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे, ये जन थे तथा कबीलों में विभाजित थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। तो ये वर्ड है गोप, ये याद करो आप, वर्ड पूछ सकते हैं आपसे एक एक नंबर में। तो गोप कहा जाता था, तो कौन राजा होता था जो कबीले का जो प्रमुख होता था ओके। जानते हैं आगे, ऋग्वेद में राजा और कबीले का संरक्षक गोप जन से कहा जाता था। और तथा पूरन भेद नगरों का विजय प्राप्त करने वाला कहा गया, जिसे क्या कहा गया? जो राजा होता था उसे पूरन भेद नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया, पूरन भेता ये कहा गया था ओके। और राजा कुछ सहयोगी और दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता करते थे। और ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, पर्श और दूत, इनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और शासकीय पदाधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे, इनकी नियुक्ति तथा निलंबना का अधिकार राजा के हाथों में होता था। मतलब इनको, इनका निलंबित कौन करता था? कर सकता था राजा। और इनको नियुक्त कौन करता था? राजा रख भी सकता है और उसको हटा भी सकता था, निलंबित कर सकता था ओके। और ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत जैसी अनेक परिषदों का उल्लेख मिलता है। आपने सभा सुना होगा, समिति सुनी होगी, विदत, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में काफी चीजें लिखी गई है इन वेदों में जिनका उल्लेख प्राप्त है वैदिक सभ्यता के ओके। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी, जो महिलाएं हैं लेडीज इसमें भाग लेती थी राजनीति में ओके। सभा विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। जो सभा होता था विदत, इसमें महिलाएं भी काफी इंपोर्टेंट रोल था इनका, ये भाग लेती थी, सक्रिय भागीदारी लेती थी, भाग प्रमुखता ओके। सभा श्रेष्ठ का एक अभिजात लोगों की संस्था थी। जो सभा श्रेष्ठ अभिजात लोगों की एक संस्था थी, अभिजात एक संस्था थी। और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा नियुक्ति पदच्युत करने में उस नियंत्रण रखती थी। सभा ये समस्त प्रजा की संस्था थी ओके। तो ये समस्त प्रजा की संस्था थी, जो प्रजा होती थी वहां पे उसकी संस्था थी। और ऋग्वेद में तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बीच में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा तथा पुरोहित न्याय व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी थे। तो जो राजा है वो तो हो गई पदाधिकारी, और जो पुरोहित ब्राह्मण वो न्याय के मुख्य थे, प्रमुख थे, इसे पदाधिकारी थे। वैदिक काल न्यायाधीशों का प्रश्न विनाक कहा जाता था। जो वैदिक काल के न्यायाधीश थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्रश्न विनाक। तो ये वर्ड याद रखना आप लोग, प्रश्न विनाक किन्हें कहा जाता था? जो न्यायाधीश थे उनको कहा जाता था वैदिक कालीन में। और न्याय व्यवस्था वर्ग पर आधारित थी। जो वर्ग होता है ना उस पर आधारित थी, वर्ग पर जो न्याय व्यवस्था, किनको न्याय मिलना है उस पर आधारित थी। हत्या के लिए 100 ग्रंथों का दान अनिवार्य था। जो हत्या होती थी उसके लिए 100 ग्रंथ दान देना पड़ेगा अगर आप हत्या करते हो तो, इसका अनिवार्य था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। जो राजा है उसका भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा इसका मतलब यानी कि तुम भूमि के स्वामी हो, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था, मतलब निहित में बंटवारा हुआ था, जनता थी। और ग्राम विश और जन शासन की इकाई थे। जो ग्राम है, ग्राम विश और जन शासन की इकाई इनका प्रमुख था। और कई परिवार समूह में होता था। ग्राम संबद्ध जो समूह होता था, कई परिवार समूह मतलब बहुत ग्रुप होता था। विश कई गांवों का समूह होता था। जो विश होता है वो कई गांवों का समूह होता है, अनेक विषयों का समूह। जन होता था, इसका कौन होता था समूह? जन।
तो देखो एक साथ ना जुड़ते ही जा रहे हैं, हो गया विश और धन और ग्राम, ये एक साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय कहा गया था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, जो विदत है आर्यों की प्राचीन संस्था थी। चलते हैं आगे और जानते हैं ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। स्टार्टिंग में क्या था, पशुपालन कृषि दो तो मुख्य है, ये चीज याद रखना, कृषि और पशुपालन। अगर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में देखो तो कृषि पशुपालन ही दो मुख्य कार्य थे इनकी अर्थव्यवस्था का मेन पॉइंट था, प्रमुख था। ओके, तो कृषि और पशुपालन जानेंगे हम इसमें अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से, और भी कुछ जानेंगे वैसे तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि तथा पशुपालन, ये मुख्य आधार था, इनसे इनका जीवन यापन होता था, कृषि और पशुपालन से। जितनी भी ऋग्वैदिक व्यवस्था थी, कृषि और पशुपालन मुख्य था। और गेहूं की खेती की जाती थी, गेहूं देखो गेहूं फसल था एक, इसका मुख्य फसल था ऋग्वैदिक काल में। इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गोधन, गोधन क्या होता है, गाय, या गाय कह सकते हो आप लोग, मुख्य संपत्ति थी। गाय को क्यों इतना माना गया, क्योंकि देखो गाय से ही बच्चे होते थे, और गाय जो बैल देती थी उसको खेती खेती में हल के लिए यूज करा जाता था, इसलिए गाय को इस समय पूजा जाता था, इवन माता माना जाता था गाय को, गाय को माता माना जाता था। इसी प्रकार गाय को मुख्य माना गया था, मुख्य संपत्ति माना गया था, क्योंकि गाय से तुम बच्चे ले रहे हो, दूध आता था और खेती भी करते थे बैलों द्वारा, तो मुख्य माना गया था गाय को। और ऋग्वेद में हल के लिए लागाल अथवा सीड शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये देखो ये वर्ड याद रखना, सीड और लागल, लागल इनका प्रयोग किया जाता था शब्द किसके लिए, हल के लिए। ओके, ऋग्वेद में तो ये वर्ड्स याद करो, काफी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, लिख सकते हो आप लोग। और सिंचाई का कार्य नहरों से लिया जाता था, जो कार्य होता है नहर, जो पानी होता है, कहाँ नहर, आप तो सुने ही होंगे, नदियों का काफी योगदान होता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो कृषि में काफी योगदान था नदियों का, सरस्वती नदी हो गया, यमुना, गंगा, वैसे इनका उल्लेख तो बहुत कम है, क्योंकि गंगा एक बार है और जो यमुना नदी है उसका तीन बार है, पर सिंधु नदी का उल्लेख मिला है। तो इन नदियों का कृषि में प्रयोग करा जाता था बहुत ज्यादा। और ऋग्वेद में नहर शब्द के लिए कुलिया, ये वर्ड याद करो आप, कुलिया शब्द का प्रयोग मिलता था, कुलिया किसके लिए, नहर। ओके, और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था, जो उपजाऊ भूमि थी उसे उर्वरा कहा जाता था। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या मिला है, जो चौथा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें संपूर्ण मंत्र कृषि कार्य से संबंध है। जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है इसमें जो कृषि खेती से संबंधित सभी चीजें इसमें संपूर्ण मंत्र है। ओके, और ऋग्वेद के गावे गव्यपति सब चरगाह के लिए प्रयुक्त हो गया था। तो ये वर्ड याद करो, गव्य गव्य और गव्यपति, इसका किसके लिए प्रयोग करें, चारागाह इसके लिए प्रयुक्त करा गया है। और भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, तो जो भूमि है जैसे खेती वगैरह है वो निजी नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था, मतलब सभी का अधिकार होता था सामूहिक, वो निजी नहीं हो सकता, सामूहिक सार्वजनिक है वो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था भूमि का। ओके, ये सामूहिक अधिकार था। और घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था, जो घोड़ा है आर्य, आपने सुना होगा, देखा भी होगा आपने, कितनी वीडियोस कितनी मूवी बनी है इन पे एशियंट हिस्ट्री पे, तो आपने देखा होगा कि घोड़ा काफी प्रमुख था और उपयोगी पशु था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ पशुपालन था, उत्तर वैदिक में कृषि हो गया था भले ही, पर यहाँ पे पशुपालन मुख्य व्यवसाय था आर्यों का। और वो क्या क्या पालते थे, वे गाय हो गया, गाय तो मुख्य था, गाय का काफी यूज था, इससे दूध मिलता है, इससे बच्चे मिलते हैं जिसको खेती में यूज करते थे, बैल भैंस घोड़े और बकरी आदि पालते थे, तो ये लोग मुख्य रूप से पालते थे और इनका काफी इस्तेमाल भी करते थे, दूध के लिए हो गया, बकरी का भी इस्तेमाल करा जाता था, घोड़े के लिए काफी ये जाते थे, रथ वगैरह बनाते थे, और भैंस दूध दही, बैल खेती में हल के लिए, और गाय दूध के लिए तथा बच्चे देता था, और ये इसलिए खेती करते थे। ओके, तो ये काफी मुख्य जानवर थे जो पालते थे, पालतू जानवर। और दूसरा व्यापार, वाणिज्य व्यापार, ये भी मुख्य था, तो ये जानते हैं ये क्या होता है, तो वाणिज्य व्यापार जानते हैं, तो जो व्यापारी थे वाणिज्य, उनका क्या था, पाणियों का एकाधिकार था, पाणियों का अधिकार था, एकाधिकार वाणिज्य व्यापार पर। ओके, और व्यापार होता कैसे था, तो देखो स्थल मतलब एक स्थल से दूसरे स्थल तक, मतलब देखो जैसे वैदिक काल में मगध, मगध सुना होगा आपने, तो मगध से व्यापार करने के लिए अगर किसी को जाना है दूसरे जनपद पे, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, हस्तिनापुर, ये तो केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पर अगर देखा जाए तो मगध में काफी सारे जनपद थे, एक स्थल से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या स्थल से जाते थे, तथा गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी से मगध इतना डेवलप हुआ था, गंगा नदी सुना होगा आपने, जो मगध था इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना था मगध, गंगा नदी की वजह से ही बना था। तो दोनों से होता था व्यापार, नदियों से भी होता था और स्थल से भी होता था। और सूदखोर को
बैकनाट कहा गया, तो ये वर्ड याद करो आप लोग, बैकनाट किसे कहा गया था, सूदखोर को, जो सूद खाता था। और क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का अभिवार हो चुका था। क्रय विक्रय के लिए गाय और निशक विनिमय के साधन थे, जो गाय है और निशक क्या विनिमय के साधन थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता, तो नगर तो बिल्कुल भी नहीं थे, सब ग्रामीण, जो वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता, वो बिल्कुल ग्रामीण थी, यहाँ पे नगर थे ही नहीं। आगे जाके हो गए थे डेवलप मगध वगैरह, कुछ ऐसे थे जो जनपद काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे और मुख्य हुए थे, वो मतलब वो राजधानी बनने लग गए थे। पाटलिपुत्र आपने सुना होगा, जो कि पटना में है, काफी मुख्य था पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहा जाता है, एक एक मुख्य नगर था और राजधानी था ये। तो राजगीर, राजगीर भी बिहार में है, ये सब काफी मुख्य नगर थे। तो इस ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता, पर आगे जाके नगर बन गए थे। और इस काल में सोना, तांबा, कांसा धातुओं का प्रयोग होता था। देखो ये धातु कौन कौन से, कांसा हो गया, तांबा हो गया, सोना, इनका प्रयोग करा जाता था। दीन लेने वे बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसित कहा जाता था। किसे कहा जाता था, कुसित, जो दृण और बलि दिया जाता था, तो कुसित कहा जाता था। ओके, और तीसरा पॉइंट है हमारा व्यवसाय एवं उद्योग धंधे, ये क्या है। तो कुछ छोटे मोटे कामगार थे, उनके भी कुछ होते होंगे, सभी काम करते थे, तो ये जानेंगे। तो ऋग्वेद में बढ़ई, बढ़ई कौन होता है, जो लकड़ी का काम करता है, ये सब सदकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार, तो ये सब आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। तो ये कुछ कारीगर थे मुख्य, बढ़ई, सूतकार, बुनकर, चरमकार और कुम्हार, ये सब कुछ मुख्य कारीगर थे। और तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग ये संकेत करता था कि धातु एक कर्म उद्योग था, तो जो धातु था एक कर्म उद्योग था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग मिलता है। और करखा, तसर कहा जाता था, बढ़ई के लिए तसर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये वर्ड्स याद करो, बढ़ई के लिए क्या प्रयोग करा जाता था और वैद्य के लिए क्या प्रयोग करा जाता था, तांबे को क्या बोला जाता था, ये सब कुछ मुख्य वर्ड्स हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य व्यवसाय था, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं एक व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय था। अपने स्टार्टिंग में मिट्टी के बर्तन ही होते थे, आज के टाइम में मटके होते हैं, मिट्टी के बर्तन आपने काफी देखे होंगे, इसका प्रयोग होता था। और दोस्तों जानेंगे ऋग्वैदिक धर्म, हमने बहुत चीज जान ली, तीन पॉइंट जान ली हमने, सोसाइटी जान ली, समाज, राजनीतिक और आर्थिक। अब जानेंगे धर्म, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है हेडिंग। ओके, तो ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यवसायिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप था। ऋग्वैदिक लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और आर्य का धर्म बहुदेववादी था। बहुदेववादी क्या होता है, मतलब एक से अनेक देवता, इनमें विश्वास रखता था। और ये प्राकृतिक भक्तियों, वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नियों, सूर्य आदि का उपासना किया करते थे। आपने सुना होगा, देखो प्रकृति की पूजा था ना, तो स्टार्टिंग ही होती थी, ये पाषाण काल से ही होती थी प्रकृति की पूजा। और ये इस समय भी करते थे, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, वर्षा, बादल, अग्नि, इनका उपासना किया करते थे ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या थी 33 करोड़ बताई गई है, अभी तक की 33 करोड़ बताई गई है ऋग्वेद में। और आर्यों के प्रमुख देवताओं में क्या थे, इंद्र हो गए, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। ये क्या आर्यों के प्रमुख देवता थे। और ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, और दूसरे देवता कौन थे, अग्नि। तो इंद्र थे प्रमुख देवता, क्योंकि बारिश के देवता इन्हें कहा जाता था, और खेती होती थी उस समय, तो बारिश तो काफी महत्वपूर्ण होता था इनके लिए, तो इंद्र को प्रमुख देवता कहा गया। और इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया। देखो वर्षा और युद्ध का देवता दोनों माना गया। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख जो 2500 सूक्तों में वर्णन मिलता है, 2500 सूक्तों में वर्णन मिलता है। ओके, और इंद्र के बाद थे दूसरे स्थान अग्नि का। अग्नि का है, अग्नि का कार्य मनुष्य देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। जो मनुष्य है, मतलब आपने सुना होगा मनुष्य, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये है मनुष्य, लोग यज्ञ करते थे आग जला के, अग्नि होगी ये, यज्ञ करते थे, तो ये क्या, ये हो गया देवता। तो जो अग्नि के बीच में ना मध्यस्थ बैठाते थे, अग्नि, अग्नि को यज्ञ करा जाता था। आपने देखा होगा कितनी सारी चीज देखोगे, इवन आज के टाइम पे भी यज्ञ होता है, तो क्या ये दोनों के बीच में मध्यस्थ बैठाते थे। ओके, तो इससे मैंने समझाया आपको एक कि ये हो गया मनुष्य और ये हो गया देवता, बीच में कौन है, यज्ञ, यज्ञ द्वारा अग्नि जलाई जाती थी, उसमें बहुत चीजें डाली जाती थी, तो जिस वजह से इनमें क्या मध्यस्थता बैठती थी, ओके, स्थापित होती थी। और 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है, तो 200 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, तो मूर्ति पूजा इतना प्रमुख नहीं था,
बट ये आगे जाके हो गया था। और तीसरे देवता कौन थे प्रमुख? वरुण इनका था। इसे जाल का देवता कहा जाता था, जिसे जाल, सॉरी दोस्तों ये जल होगा, जल का देवता माना जाता था। शिव का त्र्यंबकम कहा गया, त्र्यंबकम कहा गया था शिव को। ओके तो दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रकार आप लोग अपनी स्टडी ना बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल है आज के टाइम पे, तो आपको घर बैठे ही मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फिर भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टीसीएस स्टडी।